हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मंटू कुमार हु टीचेज यू ज्योग्राफी फ्रॉम एसजेएस मोतिहारी। स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट अर्थक्वेक एंड द टॉपिक ऑफ आवर चेंजिंग अर्थ ऑफ चैप्टर 3 फ्रॉम क्लास 7th एंड सब्जेक्ट ज्योग्राफी। सो लेट अस स्टार्ट दैट व्हाट इज अर्थक्वेक, हाउ अकर्स अर्थक्वेक, हाउ वाइब्रेट अर्थक्वेक, कैसे वाइब्रेट करता है और कैसे ये भूकंप आते हैं, इसके बारे में पढ़ना। अर्थक्वेक का हिंदी भूकंप होता है यहाँ पे, तो भूकंप नाम से ही थोड़ा डरावना लगता है। सो स्टार्ट करेंगे, बुक में डिफिनेशन दिया हुआ, पहले समझ लेंगे क्या है, तब उसके बाद बुक क्या है डिफिनेशन देखेंगे क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका छोटी सी एक डिफिनेशन है देखेंगे। अर्थक्वेक, व्हाट इज अर्थक्वेक, द मोमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट। यू नो अबाउट व्हाट इज लिथोस्फेरिक प्लेट, पिछले कक्षा में बता दिया गया है। सो द मोमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट कॉजिंग द वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के कारण ऑन द सर्फेस, कहा आपके सर्फेस के ऊपर जहां पे खड़े हैं, जहां पे बैठे हुए हैं, ऑफ अर्थ, सर्फेस ऑफ अर्थ, दिस वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक। इसी वाइब्रेशन को क्या कहा जाता है, अर्थक्वेक कहा जाता है, भूकंप कहा जाता है। अब ये भूकंप आते कैसे हैं, तो आपको पिछली कक्षाओं में बताया गया है, चैप्टर सेकंड से ही चलते आ रहा है कि लिथोस्फेरिक प्लेट को 7 पार्टों में डिवाइड किया गया है और इस 7 जो मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट है ये 3 मोमेंट में मूव करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म, डाइवर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, इसको बोला जाता है। ये प्लेट का मूवमेंट का थ्योरी है, किस प्रकार मूवमेंट करते हैं, तो डाइवर्जेंट पहले ही बताया गया, जो अपोजिट दिशा में चलता है वो डाइवर्जेंट हो गया, ये प्लेट है, एंड कन्वर्जेंट जो आपस में आते हैं, एंड ट्रांसफॉर्म आपका जो अप डाउन, आपका इसी ट्रांसफॉर्म के कारण अधिक भूकंप होते हैं। कॉजेस तीनों है बट इसके कारण अधिक होता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी पृथ्वी में कोर और मेंटल के बीच ये आपका क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया और ये कोर हो गया, ए फॉर मेंटल, सी फॉर कोर एंड ई क्रस्ट। तो यहां पे जो मोल्टेन वे में मेंटल और कोर के बीच में जो पदार्थ है वो किस अवस्था में, यहाँ पे पानी तो है नहीं, मोल्टेन वे में है, यहाँ पे पिघला हुआ अवस्था में है, यहाँ पे कोर में भी और यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेमी सॉलिड में है लिक्विड और ये टोटली यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है। तो ये प्लेट जो है ये कोई पानी के ऊपर नहीं तैर रहा है, इस मोल्टेन वे के ऊपर यहाँ पे तैर रहा है। तो जाहिर सी बात है प्लेट कहाँ पे स्थित है, आपका मेंटल के नजदीक में आपका प्लेट स्थित है और इसके ऊपर आपका क्रस्ट, प्लेट के ऊपर ही क्रस्ट है। पौराणिक कथाओं के अनुसार आपका शेषनाग के ऊपर आपका जमीन स्थित है, ऐसा नहीं है, साइंटिस्ट का ये थ्योरी, साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को गलत दिया, सिद्धांत ये है अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। तो ये मोल्टेन वे में जो है इसके ऊपर प्लेट आपका तैर रहा होता है और इसके कारण अब किसी भी कारण आपका कॉजेज जो हुआ, ये प्लेट अगर अप और डाउन करता है तो क्या करेगा, ये आपका सरफेस क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा या हिलेगा, तो कारण नहीं होता है। एग्जांपल लेके यहाँ पे देते हैं, मान लीजिए ये अर्थ सरफेस हो गया, सॉरी प्लेट हो गया, ये लिथोस्फेरिक प्लेट ये हो गया, तो इस पे हम सब स्टैंड है, खड़े हैं या बैठे हैं। अब चूंकि इसके नीचे जो है यहाँ पे ये किसी मोल्टन वे पे तैर रहा होता है, किसी भी कॉजेज वक्त ये अप डाउन करता है, तो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं या आप लोग, चूंकि ये इमेजिन कर रहा है, हकीकत में है नहीं, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर हम लोग खड़े हैं, तो जब ये प्लेट हिलेगा तो जाहिर सी बात हम लोग भी हिलेंगे। और यहाँ पे स्थित जितने भी मकान बने हुए, स्कूल बने हुए, रोड बने हुए हैं, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, इतनी सी सब आपके अर्थ सरफेस के ऊपर ही है, पेड़ पौधा से लेकर छोटी छोटी ग्रास से लेकर के
बड़े बड़े पेड़ पौधे तक, बड़े बड़े पहाड़ तक, ये सारे क्या होते हैं, वाइब्रेट करने लगते, हिलने लगते हैं। अब इसके बारे में वाइब्रेट कैसे करता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो भूकंप आपका कॉजेज यही होता है, लिथोस्फेरिक प्लेटिंग के मूवमेंट के कारण ये आपका अर्थक्वेक आते हैं। एंड इसमें फोकस एंड एपिसेंटर क्या होता है, फोकस द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट, जहां से अर्थ क्रस्ट के नीचे जो क्या होता है कि मूवमेंट जहां से स्टार्ट होता है उसको फोकस कहा जाता है। एंड एपिक सेंटर द पैलेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस, द पैलेस वो जगह जहां पे फोकस के जस्ट ऊपर, जहां पे फीलिंग होता है कि यहाँ पे कहा वाइब्रेट, जहां पे भूमि हिलता है, जहां पे हम लोग खड़े हैं, तो वो क्या हुआ फोकस के जस्ट ऊपर होता है एपिक सेंटर, उसको एपिक सेंटर कहा जाता है। एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे यहाँ पे। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, मान लीजिए ये अर्थ सरफेस हो गया, आपका अर्थ सरफेस हो गया, ये क्योंकि ये इमेजिन कर रहे हैं, अर्थ सरफेस आपका ये हो गया, ये नीचे इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, और ये क्रस्ट का ये जो आपका स्पेस खाली दिख रहा है ये क्रस्ट के नीचे का है, ये हिस्सा क्रस्ट के नीचे का। मान लेते हैं यहाँ पे भूकंप, और जहां पे जहां से भूकंप स्टार्ट होता है, जहां से ये प्लेट लिथोस्फेरिक ट्रांसफॉर्म प्लेट क्या हो रहा है, डाइवर्ट कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो यहां से आपका जहां से भूकंप स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, फोकस, इसको फोकस बोलेंगे। और चूंकि हम लोग कहां पे खड़े हैं, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे पेड़ पौधा हो गया एटीसी, बहुत सारा पहाड़ भी हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग खड़े हुए, जितने जीव जंतु है सारे यहाँ पे है, आपके अर्थ सरफेस पे है, सरफेस हो गया, क्योंकि ये नीचे से भूकंप का उदित होना यहां से स्टार्ट होता है, और ये जब भूकंप स्टार्ट होता है तो क्या करता है, कंपन होता है, इसमें वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट द्वारा तो ये क्या फैलेगा, इस तरह फैलते फैलते इस तरह आपका कहाँ आएगा, अर्थ सरफेस के ऊपर। और यहाँ पे हम लोग जस्ट इसके सामने यहाँ पे आपका फील किया गया, यहाँ पे महसूस किया गया, यहाँ पे झटका अधिक आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एपिक सेंटर, एपिक सेंटर वह पहले जहां पे भूकंप को महसूस किया गया वो एपिसेंटर, और जहां से स्टार्ट होता है उसको फोकस कहा जाता है। यही आपका डिफिनेशन हुआ भूकंप का। और जहां पे आपका ये एपिक सेंटर पे आपका फील होता है, जहां पे महसूस होता है कि यहाँ पे यहीं पे भूमि का मूवमेंट अधिक हुआ, तो इस एरिया में, इसके जितने भी नजदीकी एरिया में जो भी आपका नेचुरली सामान जो भी है, हम लोग हुए या कोई भी आपका प्रॉपर्टीज हुआ, वो काफी क्षतिग्रस्त होते हैं एपिक सेंटर के नजदीक में। सो अब डायग्राम के माध्यम से बता दिया गया यहाँ पे, आप लोग कॉपी में अच्छा से डायग्राम बनाएंगे, बोर्ड छोटा होने के कारण थोड़ा यहाँ पे दिक्कतें आ रही है। सो बुक में आप देखेंगे चैप्टर थ्री है बुक का, यस। अब इसका डेफिनेशन है बुक में पेज नंबर 127, अर्थक्वेक यहां पे दिया हुआ है, अर्थक्वेक, तो सडन वाइब्रेशन कॉजेज बाय द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेटेज आर अर्थक्वेक, मतलब सडन जल्दी स्टार्ट होता है, और ये इंडोजेनिक फोर्सेस का एक एग्जांपल भी है। इंडोजेनिक फोर्सेस क्या है बताया गया है, दिस वाइब्रेशन आर कॉल्ड
सेमी वेव्स, इस वाइब्रेशन को सेमी वेव्स भी कहा जाता है, इसलिए चूंकि ये वेव्स में होता है, इसको वेव्स बोल रहे हैं, चूंकि वेव्स में ये जा रहा है यहाँ पे, तरंग इसको हिंदी में बोलते हैं, यहाँ बोल रहा है वेव्स की तरह एक जा रहा है यहाँ पे। देन द पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक, द पॉइंट वेयर द अर्थ ओरिजिनेट इनसाइड द अर्थ, जहां पे ओरिजिनेट इनसाइड द अर्थ के नीचे जहां पे जिस जो पॉइंट ओरिजिनेट होता है उसको फोकस कहा जाता है, पहले ही बताया गया है। देन क्रस्ट इज कॉल्ड फोकस वाइल, जबकि द पॉइंट ऑन द अर्थ सर्फेस जस्ट अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर, एंड इस फोकस के ऊपर जहां पे आपका अर्थ सर्फेस के ऊपर जिस जिस पॉइंट को महसूस किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एपिसेंटर कहा जाता है। देन उसके बाद है एक छोटी सी डायग्राम, द रिचर्ड स्केल डिजाइन बाय एन अमेरिकन सिस्मोलिस्ट चार्ल्स रिचर्ड्स इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की तीव्रता मापने की ये रिचर्ड स्केल पे मापा जाता है कि कितनी तीव्रता का भूकंप आया इंटेंसिटी, तो ये रिचर्ड स्केल पर मापा जाता है। और किसके नाम पे, चार्ल्स रिचर्ड के नाम पे ये रिचर्ड स्केल का नाम रखा गया है, और ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे। देन उसके बाद है वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिक सेंटर एज वेव्स इन ऑल डायरेक्शन कॉजिंग वास्ट डैमेज, मतलब ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, किसी एक डायरेक्शन में तो ये नहीं जा रहा है, ऑल डायरेक्शन में जा रहा है, चारों तरफ ये जा रहा है इसलिए, और ये काफी वास्ट डैमेज करते हैं। जैसे बताया गया है यहाँ पे भूकंप आता है तो ऐसा बात नहीं कि देख करके ये कोई सामान नुकसान होगा, कोई महंगे घर में सामान है तो उसको छोड़ देगा, ऐसा नहीं है, छोटी मोटी सामान उसको नुकसान कर देगा ऐसा नहीं होता है। जैसे घर में भी होता है, देखते होइएगा भूकंप 2015 में भी आए थे कितनी भयानक थी। देन दीज द स्केल ऑफ डैमेज कॉजेड बाई अर्थक्वेक डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक नेचर ऑफ द रीजन और टोपोग्राफी स्ट्रक्चर एंड इट्स क्वालिटी इटीसी, सो इसलिए द डैमेज कैन बी मोर और लेस डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स, उसके फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है कितना आपका डैमेज हुआ और कितना आपका लेस हुआ। देन उसके बाद है द मैक्सिमम डैमेज इज ऑलवेज कॉजेड नियर द एपिक सेंटर, जैसे पहले बताया कि इसके नजदीक में जो भी एरिया आएगा वो अधिक डैमेज होगा। देन अर्थक्वेक ट्रेमर्स आर रिकॉर्डेड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ, यहाँ पे एक सिस्मोग्राफ और रिचर स्केल दो दिया हुआ है, तो काफी कंफ्यूज करता है, दोनों एग्जाम में काफी पूछे भी जाते हैं। तो रिकॉर्ड यहाँ पे दिया हुआ एक वर्ड रिकॉर्ड, जिसपे अर्थक्वेक को रिकॉर्ड किया जाए, इस पे क्या हुआ एक रील की तरफ बनाया गया ना, इसको मूव करता है और ये क्या करता है अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करता है, इस रिकॉर्ड किए हुए पत्र को यहाँ पे लाया जाता है रिचर स्केल पर, और इसको यहाँ पे इस स्केल पर एक पैमाना दिया हुआ होता है, इस स्केल पे रिचर स्केल पे इस तरह का पैमाना रहता है, एक तरह से आपको मान लीजिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रहता है, यहाँ पे 9 तक ही रहता है स्केल में, तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस स्केल पर उसको रख के जहां चूंकि सिस्मोग्राफ में पहले रिकॉर्ड किया गया और रिचर स्केल पर उसको मापा गया कि कितनी इंसिटी है इसकी, तो सिस्मोग्राफ पर भूकंप को रिकॉर्ड किया जाता है, यस रिकॉर्ड एंड सिस्मोग्राफ पर आपका मापा, तब उसको स्केल पर आकर मापा जाता है कितना आपका कितनी तीव्रता का भूकंप, जैसे कि 2015 में आया था नेपाल में जो भूकंप था, पोखरा एरिया है भूकंप काठमांडू में, उस जगह का नाम है चूंकि पहाड़ी इलाके में अधिक होता है, तो वहां पे जो भूकंप आई थी 7.5 या 7 इस तरह का आया था भूकंप, जो 7 पॉइंट पे ही काफी आपका क्या हुआ कि उतनी भयावह घटना हुई थी, आंखों से आपको लोग देखे लगभग अपने भारत के 10% इमारत भी क्षतिग्रस्त हुए थे, एंड काठमांडू काफी उससे क्षतिग्रस्त हुआ था, जो उसकी इंसिटी कितना थी 7.56 ऐसे करके था, तो और काफी आपका जो डैमेज वाला जो भूकंप होता है 7 पॉइंट से अबव भी, जो 7 पॉइंट से अबव टपा तो ये क्या होगा आपका काफी डैमेज होगा प्रॉपर्टीज को भी और जान माल की भी। देन उसके बाद है एंड एक बार और देखेंगे, अर्थक्वेक थर्मोस आर द रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ एंड देयर मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी इज मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल
ऑन द स्केल्स ऑफ 10, जो टेन तक रहता है, सॉरी यहाँ मैंने 9 तक बताया, 10 तक रहता है, ठीक, स्केल पर 10 तक रहता है, रिचर स्केल तक। तो यहाँ पे दोनों का तस्वीर दिया हुआ है, फोटो यहाँ पे दिया हुआ है। इट रिकॉर्ड्स द टर्मिटर्स कॉजेज बाई द अर्थक्वेक्स एंड द इट मेजर द इंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। रिचर स्केल पे ये, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे, इसको भी और इसको भी नोट्स बना कर। देन उसके बाद है लास्ट, अर्थक्वेक विच मेजर 7 और मोर द रिचर स्केल आर कंसाइडेड ऑफ द हाई इंटेंसिटी एंड कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एक्चुअली, चूंकि ये प्रिडिक्ट नहीं करते अर्थक्वेक, ऐसा बात नहीं है कि अर्थक्वेक इन्विटेशन करके आएगा कि हम कल वहां पे आने वाले हैं, आप लोग वहां से हट जाए, चूंकि ये प्रिडिक्टली होता है, जल्दीबाजी होता है, प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है और अचानक से ये हो जाता है, आपको इन्विटेशन देकर के नहीं आएगा कि हम यहाँ पे भूकंप आने वाले हैं, आप लोग हट जाए यहाँ से, इस तरह का नहीं होता है। देन एट देयर इम्पैक्ट कैन बी मिनिमाइज बाई द अडेप्टिंग सर्टेन प्रिवेंट एंड मेजर। जो इसको आप लोग अर्थक्वेक आए तो इसका मतलब बचाव का खुद का ध्यान रखना होगा, कैसे बचे, क्विक उस समय सोचने की भी ये क्षमता नहीं रहती है, क्या किया जाए ना किया जाए, सो केयरफुली। एंड एक केस स्टडी दिया हुआ है यहाँ पे, अर्थक्वेक आपका समाप्त हुआ है यहाँ पे, केस स्टडी दिया हुआ है अर्थक्वेक के बारे में ही, यहाँ पे एस मैंने लगा अर्थक्वेक, कोई दिक्कत की बात नहीं, जो यहाँ पे लिखेंगे। तो ये जो अर्थक्वेक आया था आपका गुजरात, जो भारत का एक स्टेट है, वेस्ट में पड़ता है, गुजरात का आपका इस तरह स्ट्रक्चर यहाँ पे इधर है, यहाँ पे पंजाब, यहाँ पे राजस्थान हो गया, यहाँ पे पंजाब हो गया, ये आपका गुजरात हो गया, ये एरिया गुजरात का हो गया। तो भूज आपका यही पे है, लगभग 2001 में आया था, बुक में दिया होगा देख सकते हैं, 2001 में आया था 26 जनवरी को, यस 26 जनवरी को, तो उस दिन रिपब्लिक डे रहता है अपना 26 जनवरी को, तो काफी ऐसे समय में आया था जब इस बच्चे स्कूल में चले गए थे, सारे टीचर्स बच्चे स्कूल में थे और उस समय भूकंप आया जो काफी भयावह थी एंड उसमें अधिक नुकसान जो है प्रॉपर्टीज का एंड स्टूडेंट्स एंड टीचर्स की हुई थी। सो 2001 में वहां पे आया था, लगभग वहां पे 5.5 मिलियन डॉलर का आपका प्रॉपर्टीज नुकसान हुआ था एंड काफी थोड़ी बहुत बुक से देखेंगे डिफिनेशन, उसमें जो यहाँ पे भूज जो यहाँ पे दिया हुआ है बुक में आपका 23 degrees 6 minutes नॉर्थ एंड 69 degrees 8 minutes ईस्ट, ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का मेजर एक आपका दिया हुआ है जो इसी एरिया में हुआ था, 23 degrees 6 minutes नॉर्थ टू 69 degrees 8 minutes ईस्ट में, इसी बीच में आपका आया था भूज में, जिसमें आपका द लोकेशन द एपिक सेंटर वाज भूज विथ मैग्नीट्यूड को MW सभी सूचित करते हैं ऑफ बिटवीन 76 and 8.1, जो काफी खतरनाक 76 to 8.1 के बीच में ये इंटेंसिटी थी इसकी जो भूज में पड़ता था। देन इसमें लोग जो प्रभावित हुए थे, किल देन मोर देन 20,000 पीपुल एंड इंजर्ड, जो इंजर्ड हुए थे, घायल हुए थे कितने, 1,67,000। नेक्स्ट है इसमें डिस्ट्रॉय नियरली ए मिलियन होम्स, डिस्ट्रॉय हुआ था मिलियन होम्स एंड थॉस्ट गुजरात एंड पार्ट ऑफ द ईस्टर्न पाकिस्तान। पार्ट ऑफ द ईस्टर्न पाकिस्तान आपका कहाँ पड़ता है, गुजरात के जस्ट यहाँ पे, तो पाकिस्तान के ईस्टर्न पार्ट में, जैसे यहाँ पे डायरेक्शन का यहाँ पे आपका नॉर्थ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर आपका साउथ और इधर वेस्ट, तो पाकिस्तान के ईस्टर्न भाग में लगभग राजस्थान और पंजाब के एरिया भी यहाँ पे पकड़े हुए था, तो ईस्टर्न पार्ट में आपका पाकिस्तान का ईस्टर्न पार्ट भी प्रभावित हुआ था। गुजरात आपका यहाँ पे आपको इतना से मतलब रखना है, कब आया था 26 जनवरी 2001, कितने इंसिटी थी उसकी, तो 7.6 to 8.1 इसकी इंसिटी थी, तीव्रता थी जो रिचर स्केल पे इसको मेजर किया गया था। देन उसके बाद है
इफेक्टेड एरियाज, इफेक्टेड एरिया में देखेंगे लोकेशन ऑफ द अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड टर्म्स इन द लिव्स लॉस्ट एंड द डैमेज टू प्रॉपर्टीज एज ए मेनी 20,000 वेर द रिपोर्टेड डेड, जो मतलब रिपोर्ट किया गया था कितने डेड, 20,000 ओवर मतलब 1,66,000 इंजर्ड, ओवर ए मिलियन स्ट्रक्चर वेर द डैमेज डिस्ट्रॉयड, देन 90% ऑफ द होम्स वेयर द डिस्ट्रॉय, 8 स्कूल एंड 2 हॉस्पिटल्स वेयर द फ्लैटेड टू, जो यहाँ पे 8 स्कूल एंड 2 हॉस्पिटल्स दिया हुआ है। द हिस्टोरिकल स्वामीनारायण टेम्पल्स वाज ऑल्सो प्रेडिक्टली डिस्ट्रॉय, जो एक ऐतिहासिक आपका स्वामीनारायण का मंदिर है वहां पे वो भी डिस्ट्रॉय हो गया था वहां पे। द डिस्ट्रक्शन वाज ऑल्सो एक्सटेंडेड टू द बच्चू एंड अहमदाबाद, टोटल प्रॉपर्टी डैमेज वाज द एस्टिमेटेड एट द डॉलर, ये डॉलर का साइन है, 5.5 मिलियन, जैसे यहाँ पे बताया गया पहले भी 5.5 मिलियन। देन लास्ट है रिलीफ ऑपरेशन चलाया गया अपने इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी ETC, जो भी आपका फोर्स है उसके द्वारा द प्रॉम्प्ट रेस्क्यू एंड द रिलीफ ऑपरेशन प्योर्ड इन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड ए स्टेट ऑफ ए इमरजेंसी इन द जोन, जिस जोन में अर्थक्वेक आया था वहां पे इमरजेंसी लागू कर दी गई थी, जैसे कि आपका आज के डे में लॉकडाउन है, जैसे उससे कुछ स्टैंडर्ड वे में होता है इमरजेंसी में घर से भी नहीं निकलना होता है। सेवरल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टेपेड फॉरवर्ड टू द प्रोवाइड देयर सॉरी रिलीफ मेजर लाइक फूड क्लॉथेज ब्लैंकेट टेंट्स एंड मेडिकल सप्लाई ETC, चूंकि उस समय बहुत सारे लोग का घर डिस्ट्रॉय हो जाता है, रहने के लिए घर भी नहीं रहता है, तो उसमें प्रेडिकेट किया गया बाय फूड क्लॉथ्स एंड मेडिसिन ETC। द स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज एंड द फॉरेन एजेंसीज ऑल डोनेटेड द जनरली फॉर द रिलीफ एंड द रिहैबिलिटेशन वर्क इन द एरिया, और इस एरिया में जितने भी सरकारी संस्था, गैर सरकारी सरकारी संस्था जिसको NGO बोले जाता है, ये सारे क्या रिलीफ ऑपरेशन चला रहे थे। जैसे आज भी देखते हुए लॉकडाउन में बहुत सारे नेता रिलीफ ऑपरेशन चला रहे हैं, गरीब मजदूर को खाना पहुंचा रहे हैं, इसी तरह उस समय भी इस तरह किया जाता था। तो बस आपका अर्थक्वेक के टॉपिक समाप्त हुआ। इसके बाद है इसी चैप्टर का ग्रेडेशन एंड एग्रेशन क्या होता है, चूंकि सॉरी डिग्रेशन एंड एग्रेशन, इसमें ग्रेडेशन नहीं दिया हुआ है, ग्रेडेशन समझा देंगे क्या होता है। ग्रेडेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, देन नेक्स्ट का टॉपिक है, सो नेक्स्ट में बताएंगे, सो केयरफुली इसको आप नोट कर लेंगे इतना, एंड रिचर स्केल के बारे में जो बुक में फोटो के नीचे दिया हुआ है उसको भी नोट करके, नोट बना करके दोनों के बारे में लिखेंगे, व्हाट इज सिस्मोग्राफ एंड व्हाट इज रिचर स्केल, एंड रिचर स्केल का आप उसका भी नोट कॉपी में बना लेंगे, कौन थे, क्या थे, किसने आविष्कार किया था, अमेरिका के थे रिचर्ड स्केल्स, उसके बारे में भी लिख लेंगे, और ये डिफिनेशन लिख लेंगे, डिफिनेशन छोटा फॉर्म करके हम खुद बना दिए, सो केयरफुली इसको लिखेंगे, एंड थैंक यू, बाय।